अभी बजे है सुबह के 7 और मैं अभी उठ चुकी हूँ और अभी मुझे घर के जो काम है वो करने हैं, मतलब घर की जो सफाई है, पोछाई है, सब करने हैं। और तो मैंने सोचा कि चलो अभी से काम शुरू करूँगी तो अभी से ही मैं व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ और थोड़ा धीरे धीरे मैं बात कर रही हूँ क्योंकि उस कमरे में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो सो रहा है, तो ज़्यादा ज़ोर से बात करूँगी तो उनकी नींद टूट जाएगी और इतनी जल्दी उन लोगों का नींद टूटने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ी देर बाद वो लोग उठेंगे तब भी चलेगा। तो अभी मैं सो फ्रेंड्स ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपने काम पे लग जाती हूँ क्योंकि उसके बाद नहीं तो लेट हो जाएगा, पुरोहित जी आ जाएंगे तो तैयारी नहीं होगी, लेट हो जाएगा। तो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ और आप लोगों से भी जब भी मौका मिलेगा आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात भी करती रहूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी और आप लोगों से ज़्यादा बात कर पाऊँगी। तो पूजा वगैरह हो जाए उसके बाद आप लोगों से बात करूँगी, तब तक जो भी होता है वो आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके मैं शेयर करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स बातों बातों में मैंने आप लोगों को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देने ही तो भूल गई, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी एंड हैप्पी सरस्वती पूजा। तो मैं ये सारे घर जो है पोछ ले रही हूँ क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्पर है, हम जो हमारी दीदी हमारे घर पर आती है काम करने, वो आज सुबह सुबह नहीं आएंगी घर पोछने, और ऐसे घर पर तो पूजा देना अच्छा नहीं लगता ना, घर बिना पोछे बिना साफ किए पूजा देना अच्छा नहीं लगता। तो जी क्योंकि ऊपर के घर में पूजा होगी तो ऊपर के घर जो है मैं अच्छी तरह से साफ़ कर ले रही हूँ, जो भी है सब मॉपिंग कर रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि क्लीन अप हो जाए और क्लीन जगह में हम लोग पूजा के काम कर सके। और यहाँ पे जब पूजा के बर्तन जो है सब नीचे रखे हुए हैं आप देख सकते हैं, और मैं ये सब जगह भी अच्छी तरह से साफ़ कर दे रही हूँ ताकि कहीं भी कुछ भी गंदा ना लगे, कुछ भी धूल मिट्टी कहीं भी नहीं हो। तो बस मेरा मॉपिंग वगैरह सब हो चुका है और मैं अभी जाऊँगी नहाने। सो फ्रेंड्स हम लोगों में रिचुअल है कि सरस्वती पूजा के दिन हम सब हल्दी से नहाते हैं। ये देखिए हम लोगों के बड़े बुज़ुर्ग जो हम लोगों के दादी माँ नानी माँ या फिर माँ हो, वो सब बोलते हैं कि सर्दियों में हमारे के जो चेहरे की निखार है वो चली जाती है और रूखापन चला आता है सर्दियों में, जैसा होता रहता है सर्दियों में रूखापन चले जाते हैं चेहरे पे, तो हल्दी लगाने से क्या होता है वो रूखापन चला जाता है और चेहरे में फिर से वो पहली वाली ग्लो चली जाती है। तो हम लोग सब हल्दी से नहाते हैं सरस्वती पूजा के दिन ताकि हमारी जो ग्लो चली गई थी सर्दियों में वो ग्लो हमारे वापस आ जाए, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग सब हल्दी से ही नहाते हैं सरस्वती पूजा के दिन। और यहाँ पे मैं चली आई हूँ नहा के पूजा घर में और मैं भगवान जी का जगा रही हूँ। मैं हम लोग सुबह को ऐसे ही इसको हम लोग काशी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताना ज़रूर, इसको हम लोग काशी बोलते हो। तो इसको मैंने भगवान जी को देखिए पर्दा जो है मैं खोल दे रही हूँ, भगवान जी तो सोए हुए थे तो उनको मैं जगा दूंगी। ये देखिए हमारे राधा कृष्ण जी सोए हुए थे तो उनको मैंने जगा दिया। और अभी मैं जो है पूरे घर, ये जो भगवान जी के ये जो पूजा घर है, ये इस घर को भी मैं अभी अच्छी तरह से पोछ लूँगी। और ये सरस्वती जी की मूर्ति जो कल लाए थे हम, और ये घर मैं अच्छी तरह से पोछ दे रही हूँ। यहाँ पर ही पूजा होगी और वैसे भी रोज़ ही हम लोग ये घर साफ़ रखते हैं, भगवान जी का घर तो हमेशा, पूजा घर तो हमेशा साफ़ सुथरा ही रहनी चाहिए। और ये जो सरस्वती माँ है वो पिछले बार की है, वो तो मैंने आप लोगों का कल ही दिखाया था। और ये देखिए मैं अच्छी तरह से घर को जो है अच्छी तरह से साफ कर दे रही हूँ। तो अभी मैं चली आई हूँ अपने काम करने, और जब भी पूजा का कोई काम करो तो साड़ी पहन के करने से अच्छा लगता है। और मैं अभी कर रही हूँ सब भगवान जी की भोग की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं और मेरे सासू माँ दोनों मिलके कर रहे हैं, वो मुझे हेल्प कर रही है और मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ, दोनों दोनों को हेल्प कर रहे हैं, कोई किसी दोनों दोनों के एक साथ ही काम कर रहे हैं। ये जो मैं चावल दे रही हूँ इसको हम लोग नैवेद्य बोलते हैं, इसको ऐसे देते हैं हम लोग हमारे में, आप लोगों में देते हैं कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे फल काट के मैं रख रही हूँ प्रसाद के लिए। तो बस यही पूजा की तैयारी चल रही है, तो आप लोग देखते रहिए, मैं जितना हो सके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोग देखते रहिए आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा।
फ्रेंड्स, हम लोगों की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है और पंडित जी ने कहा है कि वो 9 बजे आएंगे और अभी एग्जैक्ट 9 बजे है। पता नहीं कितने पंक्चुअल है पंडित जी। पंडित जी लोग थोड़ा बहुत लेट तो करते ही है, थोड़ा उन लोगों को लेट हो ही जाता, इतने भी पंक्चुअल नहीं होते। तो वो आ जाए तो पूजा जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। इतनी देर तक जितना हो सके मैंने किया, पता है ज़्यादा कर नहीं पाई, लेकिन जितना हो सके मैंने किया क्योंकि मैं काम में बिजी थी। और उसके बाद पूजा पूजा होने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। सरस्वती नाम दे सिंधु बावड़ी जले आती समय पर जो करते ओम पुष्प पुष्प नाम 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 पुष्प पुष्प गुरु ओम बाबुल विष्णु गुरु ओम सरंग गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय नमः बिलवता আছে गोविंदाय नमः, मधुसूदनाय नमः, जनार्दनाय नमः। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ओम तत्व जो बड़ा होता है जरा उसके भी सुने आदमी बात जब करता हूँ विष्णु है नमः विष्णु है जो बात है विष्णु है नमः विष्णु है नमः विष्णु है नमः समाधि में धर्म के समाधि में नमः 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 ओम नारायण देवाय नमः ओम नारायण देवाय नमः ओम नारायण देवाय नमः ओम तत्व कम जाम 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 तत्व संज सो फ्रेंड्स, पूजा हो चुकी है और हम लोगों ने सुबह का नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। तो मैंने आपको दिखाया नहीं, आज नाश्ते में बना था पत्ता गोभी की सब्जी और पूरी। हाँ, सरस्वती पूजा के दिन मैक्सिमम घरों में यही नाश्ता बनता है, कैबेज की सब्जी और पूरी यही बनती है। तो हमने भी यही खाया और प्रसाद वगैरह भी खा लिया। अभी पेट बिल्कुल फुल है हमारा और मैं अभी जाऊँगी सुजीत को लेकर स्कूल। अभी बज चुके हैं 12:20, ये देखिए 12:20 बज चुके हैं। तो मुझे अभी रेडी होना है, रेडी होके जाना है सुजीत के स्कूल। स्कूल में कुछ अरेंजमेंट वैसे नहीं है कोविड के वजह से, इस बार कुछ भी वैसे सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन घर में सरस्वती पूजा के दिन घर में अच्छा नहीं लगता, बच्चे घर में बोर हो जाते हैं। तो उनको भी आज का दिन बिल्कुल फ्री है आज का दिन, तो थोड़ा बहुत ना घूमे तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए जाएंगे आज स्कूल में और वहाँ ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर ये या 1 आवर रहेंगे, उसके बाद चले आएँगे। और तो मैं रेडी हो जाती हूँ, तो कौन सा साड़ी पहनूँ ज़रा देख लेती हूँ। तो मैं पहन रही हूँ ये साड़ी, ये एनिवर्सरी वाली साड़ी है मेरी, जो मैंने एनिवर्सरी के दिन पहनी थी, नई साड़ी है मेरी। तो आज सरस्वती पूजा है और बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी के दिन येलो पहनो तो अच्छा लगता है। तो मैं ये साड़ी पहनूँगी, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और रेडी होके उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये वाले जो सेट है पूजा में मैंने खरीदा था, पूजा में मैंने नहीं खरीदा था, मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। तो ये वाले सेट मैंने पहने हैं और ज़्यादा मेकअप नहीं किया, ये बिंदी तेरा हो गया, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, आईब्राउज भी नहीं किए। देखिए 2 महीने हो गए मैं आईब्राउज नहीं करा रही हूँ। और ये साड़ी पहनी है और बस इतना ही। तो मैं अभी निकलती हूँ और वहाँ जाके मैं वीडियो करूँगी, लेकिन बाद में घर में आके फिर से करती हूँ। Thank you.
काफ़ी लेट हो चुका है, अभी बज चुके हैं रात के 9। और वहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, खाना खा के जब उठी तब 4 बज गए थे। आज लंच किया 4 बजे मैंने, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी, थोड़ी मतलब ऐसे ही आराम किया, सोई नहीं, आज नींद ही नहीं आ रही थी, और आराम किया। फिर हम लोगों ने चाय वाय पी, तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने ये व्लॉग अभी तक एंड नहीं किया है, और तो अभी मुझे व्लॉग एंड करना पड़ेगा। एक बार सोचा था कि आज रहने दो, कल ही एंड करूँगी ये व्लॉग, लेकिन फिर सोची कि नहीं अभी एंड कर देती हूँ, और मेरे बाल एकदम से बिखरे बिखरे हो चुके हैं। ये अच्छा होता ही रहता है ऐसे मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरा ये सरस्वती पूजा वाला जो व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके मैंने कवर करने की कोशिश की, मैंने दिखाने की कोशिश की, और कुछ छूट गया होगा तो आई एम सॉरी। अगर आप लोगों को और कुछ कंटेंट चाहिए होगा तो आई एम सॉरी, क्योंकि कोई शूट करने वाला नहीं है, जितना हो सके मैं खुद से करती हूँ। और पूजा के दिन सभी बिजी रहते, किसी को मैं कैमरा दे दूं कि ये शूट करो वो शूट करो ऐसा होता नहीं है, तो जितना मेरा मुझसे हो सका है मैं उतना ही मैंने कवर किया है। सो फ्रेंड्स, ये व्लॉग जो है मैं अभी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आप लोगों से मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, और सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, और मेरे व्लॉग्स ज़रूर देखिए। टिल देन बाय।